एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश को लेकर बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल को लेकर काफी दिनों से माथापच्ची चल रही है और अब जो है लगभग फाइनल लिस्ट जो है सामने आ रही है, ऐसी खबर यहां पर है। लेकिन बार बार इस लिस्ट में बड़ा फेरबदल हो रहा है, उस कारण से मंत्रिमंडल का गठन अब तक नहीं हो पा रहा है और मंत्रिमंडल गठन को लेकर अब राज्य सरकार बिल्कुल सतर्क है। और राज्य सरकार के अलावा यहां पर अगर बात की तो अब जो खबर है कि दिल्ली तक ये बात पहुंच चुकी है, क्योंकि अगर बात की तो इस सरकार बनाने में कहीं ना कहीं दिल्ली का काफी बड़ा रोल रहा था। यानी दिल्ली के नेताओं ने जो है इस प्रकार से प्रवृत्ति की, उसके बाद जो है कमला सरकार गिरी, उसके बाद बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ था कांग्रेस के 22 विधायक और जिनमें 6 मंत्री भी शामिल थे। बस सिलसिला यहीं से शामिल है और ये 6 मंत्री के अलावा सिंधिया खेमे से 4 मंत्री और चाहते हैं यहाँ पर सिंधिया, और ये ही बड़ी यहाँ पर खबर है। इसके अनुसार अब कहना होगा कि ये मंत्रिमंडल विस्तार, इसमें जो है यहाँ पर रामबाई भी चाहते हैं कि उनको यहाँ पर मंत्रिमंडल में जगह मिले। उनका दावा है कि उन्हें इस सरकार में शामिल किया गया है तो उन्हें ये आश्वासन दिया गया है कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। इसको लेकर बीजेपी के कुछ विधायक अब नाराज इस सरकार से चल रहे हैं। इसका खामियाजा बीजेपी सरकार को भुगतना होगा, ऐसा खबर यहाँ पर है। जिनमें अगर बात की तो सिंधिया चाहते हैं कि 6 मंत्री जो पूर्व के मंत्री है, साथ ही साथ डिप्टी सीएम पद भी यहाँ पर सिंधिया चाहते हैं। इन 6 मंत्रियों में से किसी एक को यहाँ पर जो है डिप्टी सीएम बनाया जाए। इसके अलावा 10 मंत्री वो चाहते हैं। इसके अलावा अगर बात की तो बीजेपी अपने 107 विधायकों के लिए अगर बात की तो कई बड़े दिग्गज नेता हैं जो पिछले यहाँ पर सरकार में नेता भी रहे हैं, उसके अलावा बड़े बड़े उनको यहाँ पर मंत्रिमंडल भी दिए गए हैं। उनको मनाने की कोशिश में है शिवराज सरकार और लगातार जो है लिस्ट बन रही है, उसके बाद लिस्ट में बदलाव हो रहा है। किसी बड़े नेता का नाम शामिल होता है, किसी का नहीं होता है, जिस कारण से अब तक जो है अटकलें ही लगाई जा रही कि मंत्रिमंडल का गठन कब होगा। लेकिन खबर है कि आज या कल में ये मंत्रिमंडल की लिस्ट जो है फाइनल तैयार है। बस कुछ एक दो नाम जो हैं वो इधर उधर होने हैं, इसके कारण जो है अब तक इस मंत्रिमंडल में जो है अब ये लिस्ट फाइनल हो चुकी है लगभग, ये बताया जा रहा है। बहुत जल्द ये मंत्रिमंडल यहाँ पर सामने आ जाएगा और शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाएगा। क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर बात की तो मध्य प्रदेश में जिस कारण से महामारी का दौर है, इस कारण से जो इलाके हैं जो मंत्रिमंडल अपने हिसाब से अपने मंत्री जो अपने क्षेत्र का विकास कर सके और कैसे जो है महामारी से निपटने का प्रयास कर सके, इसको लेकर बड़ी खबर है कि बिना मंत्रिमंडल के कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो है काफी यहाँ पर चिंताजनक विषय बना हुआ है और अब जो है इसको लेकर कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। तो ये मंत्रिमंडल कुछ बड़े नाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं और यहाँ पर दावा यहाँ पर किया जा रहा सिंधिया समर्थक की 10 उनको मंत्रिमंडल में जगह है। इसके अलावा यहाँ पर रामबाई, इसके अलावा और अन्य जो बीजेपी के विधायक हैं और जो लगातार 3 या 4 बार से विधायक जीते हैं, उनको मंत्रिमंडल में जगह मिला है। तो इस प्रकार से जो है लिस्ट यहाँ पर लगभग फाइनल हो चुकी है, लेकिन कुछ नाम अभी भी बाकी है लिस्ट में, इस कारण से अब तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया। लेकिन बड़ी खबर है कि मंत्रिमंडल का बहुत जल्द यहाँ पर गठन होगा और कुछ बड़े नाम हमें देखने को मिलेंगे, तो कुछ यहाँ पर आश्चर्यजनक नाम भी देखने को मिल सकते हैं इस मंत्रिमंडल में, ये खबर यहाँ पर है। अगर बीजेपी के कुछ जो विधायक पुराने हैं उनको यहाँ पर मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलती है तो सरकार गिरने का खतरा भी बढ़ सकता है, ऐसी खबर यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। अब क्या होगा आखिरी फैसला, तो सिर्फ सरकार का ही होगा, इसको लेकर ये बड़ी खबर आप तक पहुँचा दी है। फिर भी आपको क्या लगता है मंत्रिमंडल में बीजेपी कांग्रेस से आए विधायकों के लिए कितने मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, अपने राय कमेंट बॉक्स में रखिए। और इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए।